दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। कमलनाथ के लिए कांटे बिछाते कांग्रेसी। कांग्रेस नेता कमलनाथ पर बीजेपी की तरफ से लगातार राजनीतिक बयानों के हमले होते आ रहे हैं। सबसे अधिक कमलनाथ के खिलाफ सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोल रहे हैं। अब तो कमलनाथ के खिलाफ कांग्रेस के अंदर ही विरोध के मुखर स्वर सुनाई देने लगे हैं। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने धार जिले के बदनावर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच से कहा, आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया को चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष की बजाय कांग्रेस उन्हें सीएम का चेहरा बना दी। आदिवासी विधायक उमंग सिंघार की इस मांग पर कमलनाथ ने कहा कि सीएम कौन होना चाहिए यह मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी। किसी के कहने या न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कमलनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने उमंग सिंघार के लिए कहा, जो कहने वाला है वह क्या है सभी जानते हैं। कमलनाथ के कहने का तात्पर्य यह था कि आदिवासी सीएम की मांग करने वाले उमंग सिंघार क्या है यह सब जानते हैं। मुझे लगता है कमलनाथ का यह बयान भी अहंकारी बयान है, क्योंकि उमंग सिंघार कांग्रेस के ही विधायक हैं और आदिवासी नेता हैं। इस चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों का फोकस आदिवासी मतों पर है, आदिवासी वोटरों पर है। फिर अपने ही पार्टी के आदिवासी विधायक के लिए कमलनाथ का ऐसा बयान देना क्या पार्टी हित में होगा? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कमलनाथ के खिलाफ आवाज उठाया है। आचार्य ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम कराए जाने पर कहा, भाजपा के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देता। यहां पर भी कमलनाथ ने जो बयान का जवाब दिया है उसमें अति अहंकार नजर आता है। आचार्य कृष्णम के बयान के जवाब में कमलनाथ ने कहा कि कोई कुछ भी कहे, मैं नहीं जानता क्यों किसी के पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा ही एक बयान मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए दिया था कि जिन्हें सड़कों पर उतरना है उतर जाएं। उसके परिणाम खुद कमलनाथ और पूरी कांग्रेस भोग रही है। इसके बावजूद कमलनाथ अपने पार्टी के नेताओं के खिलाफ इतने कटु बयानी जवाब क्यों देते हैं? फिर एक सवाल और, पार्टी के वरिष्ठ नेता क्या उन्हें नहीं रोक पा रहे हैं या रोकने के प्रयास ही नहीं करते?